गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के नाम से है। अब देखो, प्लानिंग की अगर बात करो आप तो प्लानिंग जो है एक थिंकिंग है, ओके, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आपको अपना गोल अचीव करना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, इवन अगर आप स्पोर्ट्स को छोड़ दो, आप अपने स्टडीज से रिलेटेड हो, तो आपको सबसे पहले वेल प्लान्ड एक प्लानिंग करनी होगी और उसके बाद आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे कि हाँ मेरा गोल सेट हो चुका है। उससे पहले मुझे अपनी प्लानिंग करनी है, पहले प्लानिंग करोगे, गोल सेट करोगे, फिर आप अपनी प्रोसेस करोगे कि अब मुझे इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना है। तो प्लानिंग देखो, हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी हम अपने मेंटली हम सोचते हैं हर चीज को, उस प्रोसेस को, और उसके अलावा प्लानिंग जो है वो अपनी थॉट्स को पुटिंग टुगेदर, एक जगह लेकर आना अपनी सोच को, या फिर आप कह सकते हो कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रोसेस है। क्या सोचना? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट आर गोल सेटिंग, अपने गोल के बारे में सोचना, तो वो सारी चीज प्लानिंग कहलाती है। देखो, प्लानिंग जो है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी जरूरी है, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसे हम स्पोर्ट्स से जोड़कर पढ़ेंगे। तो प्लानिंग के बारे में अगर आप बात करो तो प्लानिंग जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को सुधारने में, हमारी एक्टिविटीज को एनहेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम अपने गोल को सेट करते हैं, अपनी मिस्टेक्स जो है उन्हें हम कम कर सकते हैं अगर हम प्लान करके चलें। तो प्लानिंग जो है वो ओवरऑल जरूरी है। आप अपने गोल की तरफ बढ़ो, आप अपने जो भी आपका गोल सेट है, आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, तो सबसे पहले अगर वेल प्लान्ड होकर आप गए हो तो आपकी जो अचीवमेंट है वो आप अच्छे से कर सकोगे, आपका जो गोल है वो सक्सेसफुल रहेगा, आप अच्छे से उसे अचीव कर सकोगे। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। या हम बात करेंगे प्लानिंग की, प्लानिंग इज द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट इज अवेलेबल टू अचीव द गोल्स। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको अरेंज करना कि मुझे गोल सेटिंग के लिए ये चीजें चाहिए, अपनी जो थॉट्स हैं, जो चीजें हैं उन्हें पुटिंग टुगेदर, एक जगह लेकर आना। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मैंने पहले भी कहा सोचने की प्रोसेस है, इन एडवांस, एडवांस में पहले से सोचना है अबाउट सेटिंग गोल्स, अपने गोल सेटिंग के लिए। प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आप अपनी मेंटल एक्टिविटीज के थ्रू ही आप सब चीजों को एक जगह लेकर आओगे। गुड परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव प्लानिंग, अगर आपकी प्लानिंग इफेक्टिव है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी उस पर काफी हद तक डिपेंड करती है। आप मान लो आप कैप्टन हो, लीडर हो अपने टीम के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम के लिए प्लानिंग करना। आपने अच्छे से प्लानिंग किया, बहुत अच्छी इफेक्टिव आपकी प्लानिंग थी, तो जो परफॉर्मेंस है आपकी, आपके जो अदर स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी परफॉर्मेंस, वो भी काफी हद तक उस पर डिपेंड करेगी। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हो। तो ये तो बात थी प्लानिंग की, हमने समझा कि प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लानिंग एडवांस में सोचना है, किसके लिए सोचना, अपने गोल के लिए कि मेरा ये गोल है, मेरा ये एम है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एडवांस में, तो यानी कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की, प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या एम है, क्यों हम प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, टू अचीव योर गोल। आपको अपना गोल अचीव करना है तो ऑब्वियसली वेल प्लान्ड होकर आप चलोगे आगे। आपको अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी है, आपको अपनी मिस्टेक्स कम करनी है, तो आप प्लानिंग करके चलोगे। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के। सबसे पहला है तो एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, आपको अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सुधारनी है। तो ऐसा नहीं कि गलतियां करते जा रहे हो, उनसे सीख नहीं रहे हो, अच्छे से प्लानिंग नहीं कर रहे हो, बार बार उन्हें रिपीट कर रहे हो, नहीं। अगर आप प्लानिंग करके चल रहे हो कि मैंने पहले ये गलत किया था, अब मुझे इस तरह से खेलना है, अगर आप अच्छे से प्लान करके चल रहे हो तो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहेंस होगी। सेकेंड है रिड्यूस प्रेशर, आपके ऊपर एक्स्ट्रा अननेसेसरी प्रेशर है कि मैं अच्छा खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, मैं सामने वाले के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो अननेसेसरी प्रेशर आपका रिड्यूस होगा। कब होगा? अगर आपने अच्छे से प्लानिंग करके चले हो तो आपका वो प्रेशर भी रिड्यूस होता है। थर्ड है रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स, ऑब्वियसली अगर आप प्लानिंग करके चल रहे हो तो आपके जो मिस्टेक्स के चांस है कि नहीं मैंने प्लान किया था अब मैं ऐसे खेलूंगा, पहले मैं ऐसा खेला था तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, अब मैं ऐसे खेलूंगा तो मेरी मिस्टेक्स कम होंगी, मैं अच्छे से अपने गोल की तरफ बढ़ सकता हूँ। फोर्थ है इंक्रीज एफिशिएंसी, ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी, प्लान करके चल रहे हो तो आपकी एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो आपकी प्लानिंग के थ्रू आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपकी एफिशिएंसी और बढ़ती है।
फिर से एनहेंस क्रिएटिविटी, आप अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ाते हो प्लानिंग के थ्रू, आप देखते हो आपके पास परफॉर्मेंस है, आपका परफॉर्मेंस प्लानिंग का, उससे आप देखते हो कि नहीं मैं इस प्लेयर को इस नंबर पर खिलाता हूँ या इस प्लेयर को पहले लेकर आता हूँ, तो मैं अच्छे से अपनी गोल तक पहुंच सकता हूँ, अपनी टीम को जिता सकता हूँ। तो वही चीज है कि आपने क्रिएटिविटी भी एनहेंस होती है। सिक्स इसका एम है हेल्पफुल टू अचीव द गोल। ऑब्वियसली आपको अपना गोल अचीव करना है, उसी के लिए तो आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आपका जो गोल है वो अचीव करने में भी आपकी प्लानिंग काफी हेल्पफुल है। तो देखो हमने प्लानिंग का मीनिंग देखा, स्पोर्ट्स की फील्ड में प्लानिंग कैसे करोगे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने देखे, इन्हें नोट डाउन करो। उसके बाद हम कुछ जैसे कमिटीज होती हैं, प्लानिंग आप कर रहे हो, एक अकेला तो प्लानिंग कर नहीं सकता पूरी टीम के लिए, ठीक है, नेशनल लेवल पर आपको खेलना है या स्कूल लेवल पर भी खेलना है तो आप अकेले प्लानिंग नहीं कर सकते हो, आपको कमिटीज बनानी होंगी, अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होंगी कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। तो कुछ कमिटीज है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे वेरियस कमिटीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होगा, आपको प्लानिंग करनी है, आप कोई टूर्नामेंट अरेंज करने वाले हो, ऑर्गेनाइज करने वाले हो, तो सबसे पहले उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होगा जो कि डायरेक्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा आपके ओवरऑल कॉम्पिटिशन को, आपके टूर्नामेंट को, क्या क्या वहां पर हो रहा है। वो एग्जीक्यूटिव कमिटी, उसके अंडर एग्जीक्यूटिव कमिटी होगी जो वेरियस कमिटीज को एग्जीक्यूट करेगी। उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज बनाएगी, यानी कि अब इन ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज का ही काम है वेरियस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। देखो यहाँ पर हमने कुछ कमिटीज देखी है, और भी कमिटीज हैं, आप अपनी तरफ से उन्हें भी ऐड कर सकते हो। जैसे देखो सबसे पहले पब्लिसिटी कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सबसे पहले कमेटी है पब्लिसिटी कमेटी, यानी कमेटी क्या है, कमेटी कॉम्बिनेशन है कुछ लोगों का, ठीक है, गैदरिंग है लोगों की। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिसिटी का काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, आपकी उस इवेंट की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है मोस्ट ऑफ, कि उसे कितने लोग समझते हैं, कितनी उसकी पब्लिसिटी हुई है, उस पर भी आपका स्पोर्ट्स इवेंट डिपेंड करता है। तो पब्लिसिटी कमेटी होगी, पब्लिसिटी करेगी आपके इवेंट की। सेकेंड है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, यानी जो भी बोर्ड में जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके उनका अरेंज करना, कौन कौन ऑफिशियल वहां पर आने वाला है स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा, ये बोर्डिंग कमेटी वो काम करेगी। उसके अलावा डेकोरेशन कमेटी भी होगी कि आपका जो फील्ड है, आपका स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो उनका रूम है वो सारे उनका डेकोरेशन करना, ओके। उसके अलावा फोर्थ रिसेप्शन कमेटी होगी, रिसेप्शन पर कौन कौन से ऑफिशियल्स वहां आ रहे हैं उन्हें रिसीव करना, आपके स्पोर्ट्स पर्सन है उनका डेटा रखना, ये काम रिसेप्शन कमेटी का होगा। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, ऑब्वियसली आपको आपके स्पोर्ट्स पर्सन है, ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए अलग से कमेटी होगी। अनाउंसमेंट कमेटी है, बीच बीच में अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब ये वाली टीम आएगी या ये प्लेयर आउट हो चुका है, इतने उसके गोल हो चुके हैं, इतने रन हो चुके हैं, तो वो कमेटी अनाउंसमेंट कमेटी है। सेवंथ फर्स्ट एड कमेटी, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के फील्ड में इंजरीज का तो काफी हम सामना करते हैं, तो उन्हीं के लिए फर्स्ट एड कमेटी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका हेड जो है वो एक वेल डॉक्टर होता है। उसके अलावा एक फाइनेंस कमेटी है जो कि फाइनेंस की अरेंजमेंट करती है कि हम जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कितना बजट उसके लिए चाहिए, तो ये सारी कमेटीज हैं। इनके अलावा आप रिफ्रेशमेंट कमेटी लिख सकते हो, एंटरटेनमेंट कमेटी भी इसमें लिख सकते हो, बहुत सारी कमेटीज हैं। तो ये कमेटीज हैं, इनके वर्क है। अब देखो मेन चीज क्या है, एक वो टॉपिक है इसके आगे, कमिटीज के आगे प्री ड्यूरिंग और पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज। ये जो कमिटीज हैं इनकी प्री यानी इवेंट आपके स्पोर्ट्स इवेंट के ऑर्गेनाइज होने से पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूरिंग यानी आपका स्पोर्ट चल रहा है तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और पोस्ट यानी आपका स्पोर्ट्स खत्म हो चुका है उसके बाद कमिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इन तीन पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है, जैसे प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटी, किसी भी कमेटी की प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी स्पोर्ट्स के शुरू होने से पहले सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट बनाना, कि मेरा जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो कितने बजट में फिट बैठता है, तो वो बजट कमेटी अलग से होगी, जिसे फाइनेंस कमेटी आप नाम देते हो, उसका प्री वर्क हो गया यानी प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो है वो भी प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रही है कि ट्रांसपोर्टेशन की मुझे अरेंजमेंट करनी है, तो वो इवेंट के शुरू होने से पहले ही होगी। ड्यूरिंग यानी जब आपका गेम चल रहा है, ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपकी आ जाएंगी, जैसे अनाउंसमेंट है,
ओके बार बार बीच बीच में अनाउंसमेंट करना है तो वो ड्यूरिंग में आ गया, फर्स्ट समिति है ये भी आपकी ड्यूरिंग में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। उसके बाद पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कुछ कमिटीज की, जैसे पोस्ट आपका गेम खत्म हो गया तो सबसे पहले काम क्या होगा कि विनर अनाउंस करना, तो अनाउंसमेंट कमेटी वहां पर आती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने कमिटीज पढ़ी है कुछ पर्टिकुलर, आपको कमिटीज देख लेना बुक से। उसके अलावा देखो आपको इन कमिटीज के वर्क है प्री पोस्ट और ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपका ये कंसेप्ट प्लानिंग और उसके ऑब्जेक्टिव और पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।